गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी के आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, गांव गुआंड पास पड़ोस लोवा दौरे बिहानी शहर ताए सारे बाण भाइया ने उनते बचे कुचे लोग और लोवाइया ने सारे ताऊ और ताइया ने पछाण बैठे थानेदार और सिपाहिया ने आजाद भाई की राम राम। बात सुन रहे मैं तेरा कल की माननीय मत हूँ और किसी कल की मारो हो तो रहे पे और बैठी है छोरी आम देख के किसी कल की मारो तो सारी फूलों की कार में बैठ के जाएंगी। पर तामन जो लखाओगे जो कर मंडेरा में बंदर इस आरता आया हूँ इस आरता आया हूँ तारी भी फूलों की कार का प्रबंध करके जाऊंगा। तामन यू करियो पेपे और गलत बैठ के ही सार का नहीं आजियो परम श्रद्धे। मैं एक बार राज के महाविद्यालय भिवानी के नाम से जोरदार तालियां चाहूंगा। एक बार अकेली छोरी बजाऊंगी जोरदार तालियां कोई दम नहीं ईव अपना डिपार्टमेंट जोरदार तालियां बिहानी आ जाओ अपना तारा प्यो देख लिया जे तारा ब्याह नहीं बन रहे ताली बजाने के हो। हमारे बीच साथियों मुझे यहाँ आज बतौर जजमेंट भाषण है मैं तो शाम मोड़ पर गाड़ दूंगा और पांच सब लिख दूंगा तो शाम 22 किलोमीटर। आज भिवानी के राजकीय महाविद्यालय में मैं आपसे दो बातें करने के लिए आऊ। मैं वो पहला शख्स हूँ। अरे ये पीछे जो बच्चे हैं शांत हो जाए। कोई बात नहीं जी थोड़े देर कलकी मार लेंगे इतने ध्यान नहीं होता कलकी मार के हैं। साथियों मैं इस बात का गर्व महसूस करता हूं कि आज मुझे महर्षि ध्यान यूनिवर्सिटी ने यहां जजमेंट के तौर पर भेजा है और बड़ा गर्व है बहुत सहयोग का मौका। मैं अपने गुरुजी प्रोफेसर जी आर गोदाराव श्री रामपाल जी चहल और मुदिता वर्मा जी के साथ जजमेंट में बैठूंगा जोरदार ताली चाहूंगा आशीर्वाद चाहूंगा। आपका बेटा हूं आपका बालक हूं चौरी तरह का लागू हूं। एक लुगाई का खसम खू गया एक महिला का पति गुम हो गया पड़ोसन में लेके थाना में गई निवली जी मेरा पति गुम हो गया। थानेदार ने बोला उलिया बता निवली जी 7 फुट का लंबा कति गोल मुंह जमा सुतरा चोरा जी जमा छैल था जी पड़ोसन निवली है मरकला सा था गुंडा सा था कालिया सा था जिसका पति गुम था निवलिए खू गया जो सा खू गया पुलिस डो तो सुतरा जाओगी। पहले गांव की छोरी लुगाई गुरु जी बहुत सुथरे गीत गाया करती बहुत सुथरे गीत गाया करती छोरी हो रहे हो ठंडा बा क्यों ला दे ये पिछड़ा करें बेटी तुम पढ़िया करो हाँ पढ़िया करो बेटा मुंडाल सोरखी का गोबर तारी बाट देखने लग रहा है। हर तक छोरियां तो किसी के की मारो तारी भूत तो इशारा पड़े भाई तारा एक आधा की सगाई का जुगाड़ करके जरूर जाऊंगा ठीक है नहीं और नहीं तो ना बात सुन रहे बिहार जाना पड़ेगा मारा गांव में एक देसी भू की मोल की भू की लड़ाई होगी और वह देसी भू ने बोली होती बिहार में मोल की आई बिहार ने बोली गुणवान चीज के पैसे लगते हैं। पहले काम की छोरी लुगाई गीत गा करती राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बनखंड चा अरीब है छोरी गीत गाऊंगी बोला सो पहले बीन बजाइए तो मारी गाड़ माइए चल पैसा तोड़ के चाव है। एक बूढ़ा रहना छोरी हो तो आप तो सदे लैंगल चली जाओगी दुआली पाँच छह बेटे हुआ होगा उसका लगाम का सरपंच नगा लाने खेती बाड़ी किसी के बोला भर तो धान है वासी बन के मखा ईश्वरवाल में धान है मखा बाजरा खाना इलाका धान है के बाद मैं 20 साल पहला मैं तारा काम में बरात में गया था बोला फिर मैं तारी छोरी ने बनड़े के शेरे में चोला की जगह गुआर के दाने फांके थे
चलो पानी हो गया बहनी में, बहुत बढ़िया इलाका है, एक मैडम की सासू का सांप लड़का, बहनी गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेसर की सासू का सांप लड़का, पड़ोसन ने फोन करा, ये तेरी सासू का सांप लड़का, मैडम निवली गुंठा गला हाजरी लाग गए है, आ नहीं सकती, प्रिंसिपल सख्त है, दिखाओ अरमने मन में मैडम राजी है। मैडम फिर बाज बाज घंटी में से वहां पानी पीवे को चाह पीवे दोपहर तक तोड़ होना था। एक बजे फिर प्रश्न द्वारा फोन करा, आए मेरी सासू का के ज्ञान है, प्रश्न नवली कलानोर बैद पा गया, जहर चूस लिया, तेरी सासू ने उल्टी लिया है, खटोला पे बैठ के चाह पीन लाग रही है, और उस मैडम ने मरे माथा मात, ए सारा सौदा मिलावट चाल पड़ी, ना तो पहले सांप रहे ना पहला जहर रहा। साथियों आसना आसाना जानते हैं, मैं परम आदरणीय प्रोफेसर गूगन राम गोदारा जी, रामथल जी चहल, मुदिता वर्मा जी, इंदर सिंह जी, लाखलान जी के सानिध्य में आगे बढ़ने का मौका मिला है। दो बातों को याद रखो भाई, लंगोटी का सूचापन, राजकीय महाविद्यालय सार में पढ़ते हुए 88 से 95 सात साल तक राजकीय महाविद्यालय चुटकुलों में फर्स्ट रहा, स्कित में बेस्ट एक्टर आए, मैं पहला सभी विश्वविद्यालयों में अपने आप बच्चे को जब झुंझुना मिलता है तो आपको बताता मैं भी एक कलाकार के रूप में कलाकार और कलंकार से बढ़ने से बचो, आज कला के नाम पर ठगी करते हैं, थोड़ी इस फोन में बंद कर ले, मेरा फोटो के काम आओगा, परसों मैं हसी गवर्नमेंट कॉलेज में था, क्या तरक्की मारा तेरे खुद नहीं बता टिक रहे हैं, परसों गवर्नमेंट कॉलेज हासी में था, छोड़िया ने सब जान लाग रहा था, बेटी फोन ना का चक्कर में ना रहा करो, इतनी आड़ में मर रहा भटका भेजला बाज पड़िया, एक छोरी नवरी भाई साहब आपकी आगे मिस कॉल मगर सॉरी 88 से 95 गवर्नमेंट में कॉलेज में पढ़िया, जद मर रहे भटके फोन कौन थे मेरे दर तो बहुत मिस कॉल आमर की 2004 में मोबाइल फोन आए हैं, फिर मरा बटा की मिसिज का लाड़ लागी, नवली आपने मिसिज का फोन 30 सेकंड में काट दिया, मां लुगाई का फोन 30 सेकंड में, लुगाई का फोन तो 20 सेकंड में कटा है, बोला के बात है भाई, मैं दावा करता हूँ राजकीय महाविद्यालय भिवानी के सभी प्रोफेसर साहिबान से चैलेंज करता हूँ, कोई आपकी लुगाई गलत 5 मिनट बतला के दिखा दो 5000 का इनाम दे दियो, आपने मिसेज का फोन आधी मिनट में काट दिया, आधी मिनट में 10 सेकंड में, बोली के बात है मखा वाग गए थे, बोली इस हरतांदा सरफ का पूरा अरबू हरी लिए क्यों तेरी माँ का जेठ बनावे, मेरी फेट में चढ़ गया नहीं, मेरे टेप का कंपार्ट होगा, विश्वविद्यालय में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जब मैं प्रतियोगी के तौर पर गया, हरियाणवी डांस में छोरिया का दमना का कट्टा ठा रहा था, मैं दमना कट्टा देख के एक छोरा ने मैं सुना ये मोसा, मैंने सोचा भाई मोसा तीन टाइप के मोसे हरियाणा में, एक तो मोसी वाला मोसा, एक छोरी वाला मोसा, एक छोरा वाला मोसा, फिर बोला सुना ये मोसा मां पहचान में को नहीं आ कौन सी बहू का भाई है, बोला मोसा कोथली लिया अभी ए उठ के उतमा का तक का भी ना यूथ फेस्टिवल चल रहे कोथलिया गेम है, बोला और मातरी बेबे का छोरा और बे लीले क्या बेटियों हमारी संस्कृति और संस्कार, यहाँ पर श्री रामफल चहल जी एक मिनट में परिचय कराना चाहूंगा, ऐसी महान शख्सियत आपके बीच में बैठे हैं, श्री रामफल जी चहल पनगट फिल्म के हीरो, आकाशवाणी के पूर्व निदेशक श्री रामफल जी चहल के नाम से जोरदार तालियां बजाएंगे।
सर एक बार प्लीज लेकिन आज भी खंडार बताऊं कि इमारत कभी आलीशान रही होगी। उम्र 60 साल हो ली है, जज्बा जोश और जुनून, और मेरे परम आदरणीय मेरे सांस्कृतिक पिता कहूं या मेरे भगवान कहूं, 85 वर्षीय भूतपूर्व युवा प्रोफेसर कुकुन राम जी गोदारा जी के नाम से जोरदार तालियां। गुरु जी आपके मुखारविंद से हम रागनी सुनना चाहेंगे, जोरदार तालियां। जब हम 88 में कॉलेज में गए, गुरु जी की यह सेठ थी और कई मैडम नौजवान रहा करती, मैडम तो बूढ़ी होकर गुरु जी नौजवान होते जान लाग रहे हैं। भाई साथियों, चलते चलते एक संदेश, जगबी राठी की चार लाइनें मुखारविंद होना चाहूंगा। हमारी संस्कृति में केवल चार नाते हैं। ए बेटियो, ए छोरी, आपने केवल चार नाते हैं, ये नाते भूल गए तो अपराध बढ़ गया। एक तो आए बेबे, आ रे भाई, आरी काकी, एक बड़ा खतरनाक नाता हरियाणा में, आओ आओ रामफल चकाइए, रामफल बरोटा पे गिर के आस के। हरियाणा में सबसे बड़ी एक दिक्कत है, आपकी लुगाई गल बोलने खातर कोई शब्द नहीं बना रखा, न्यू कहना पड़े सुने के सुनता कोई नहीं के। बताओ अपने पति के साथ बोलने के लिए कोई शब्द बना रखा हो तो अपनी संस्कृति है वो चंद लाइने आपको, जगबी राठी की मूल रचना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर यही स्तर रहा में छोरी थोड़ी है के छोरे गले दिखे हैं, हमें तो कम पढ़े के छोरी कोई नहीं पढ़ती, इन माता तारे बांधा कोई नहीं आती। किस वहम में ना रही हो, ध्यान दीजिएगा, इशार की गोल्ड में किसा कसम है, बात सुन रहे रेडियम बोल जा करो हूँ, फालतू मनस मना के हेड शो आक रहे हैं, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पे आकाशवाणी के सार केंद्र पे किसान वाणी कार्यक्रम में इन्हीं माइकों के माध्यम से बोलने का मौका मिला है। आप एक अच्छे कलाकार बन के बहुत ऊंचे पदों पर जाइए, इशार की कोर्ट में किसा कसूता मुकदमाया, ध्यान दीजिए, इशार की कोर्ट में किसा कसूता मुकदमाया, एक सिपाही कुत्ते ने पकड़ लिया, इशार की कोर्ट में एक किसा कसूता मुकदमाया, एक सिपाही कुत्ते ने पकड़ लिया, सिपाही बोला जज साहब भी कुत्ता है, बड़ा कसूता है, बड़ा अन्यायी है, बड़ा कसाई है, इसने एक अजन्मी छोरी खाई है, कुत्ता खड़ा खड़ा ससके था, कुत्ता खड़ा खड़ा ससके था, उसके मुंह को लाल खून टपके था, कुत्ता बोला जज साहब मैं बड़ा अन्यायी, मैं बड़ा कसाई, मैंने एक अजन्मी छोरी खाई, पर मेरा के खोट उसे की मान बगाई, जोरदार तालियां चाहिए, पर मेरा के खोट उसे की मान बगाई, कुत्ता बोला थोड़ा मुंह खोला जज साहब से दो सजा, जे मारो जूते पहला टो लो तो पैराला चाने कुत्ते, पहला टो लो तो पैराला चाने कुत्ते, पहला टो लो तो। मैसेज है बेटी खूब पढ़ा करो, शिक्षा संस्कृति और संस्कार ये हमारे जीवन का आधार, आपका जीवन उज्जवल हो, मुझे यहाँ बतौर निर्णायक के रूप में आज बुलाया गया है, समय मिलता रहेगा आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी, मैं अपने गुरुजनों के नाम से एक बार फिर जोरदार तालियां चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ, और एक अपने भाई आजाद दुहन ने दे अनुमति रहे तो नकल की मारा है तेरा बन भोरी का जुगाड़ जरूर कराऊंगा, ठीक है नहीं तेरे लक्षण ही से है, लेकिन भाइयों एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आप अच्छी संस्कृति के रूप में भिवानी में जो आयोजित हुआ है इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, राजकीय महाविद्यालय भिवानी उनका परिवार, और भाई बिहानी हेलो गवर्नमेंट कॉलेज आ लो, बाहर की छोरी बिहारी तेरे लक्षण देख अपने भाई आजाद दुवन ने दे अनुमति सारे बन भाइयों ने, राम राम।